नर्वस क्यों पड़ते हैं? तो हम लोग देखते हैं कि जो भी नाउन होते हैं हमारे आसपास जो नाउन्स हैं उनका संख्या एक होता है या फिर एक से अधिक भी होता है। तो जब वो उनका नंबर अगर एक से अधिक होता है तो हम लोग उसके नेम में जो होता है कुछ ऐड करके उसमें बोलते हैं। जैसे कि पेंसिल है, अगर एक पेंसिल है तो मैंने पेंसिल कहा, लेकिन बहुत सारे पेंसिल है तो मैंने पेंसिल्स कहा। ओके, तो ये क्या शो कर रहा है? अगर पेंसिल है तो वो वन है, लेकिन अगर पेंसिल्स है तो बहुत सारे। तो नाउन नंबर में इसी तरह से हम लोग को ये पता चलता है कि किस तरह से हम लोग एक, अगर किसी भी नाउन का नंबर एक है और उसको दूसरे में कन्वर्ट कर रहे हैं यानी मैनी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसका नेम यानी कि उसको हम लोग कैसे नेम देते हैं, उसमें एस ई एस आई एस ऐड करते हैं किसके अकॉर्डिंग, ये सारी चीजें हम लोग को यहाँ पे पढ़नी है किस रूल के अकॉर्डिंग। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि नाउन्स में कितने नंबर्स होते हैं। तो मैंने कहा नाउन्स में दो नंबर्स होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। ओके, सिंगुलर किसको कहते हैं और प्लूरल किसको कहते हैं? तो सिंगुलर नंबर्स आपका होता है कि वो सिर्फ एक पर्सन और थिंग को बताता है। जैसे कि एक पेंसिल है तो वन पेंसिल हुआ, उसके बाद एक आम है तो मैंगो हुआ, टॉय है, बैग है। यहाँ पे देखिए मैंगो टॉय बैग, ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि सब बताया कि सब का नंबर कितना है, एक है, संख्या एक है। लेकिन प्लूरल नाउन जो रिफर करता है कि उस नाउन की जो संख्या है वो एक से अधिक है, वो दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, तो बहुत सारे भी हो सकते हैं, तो वो हमारा प्लूरल नाउन होता है। ओके, हम लोग इस चैप्टर में यही सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्शन पढ़ना है नाउन का। जैसे देखो यहाँ एक था तो मैंगो, लेकिन यहाँ पे अगर बहुत सारे हैं तो मैंगोज है, फिर यहाँ पे टॉय है तो यहाँ पे हम लोग टॉयज हो गया, फिर ये बैग है तो यहाँ पर क्या हो गया, बैग्स हो गए। ओके, लेकिन आपने यहाँ पे देखा कि टॉय था तो उसको हम जब प्लूरल में चेंज किए तो सिर्फ एस ऐड किए, बट मैंगो है तो उसमें चेंज किए तो ई एस ऐड किए। तो ये रूल हम लोग जानेंगे कि किस तरह से हम लोग जब कन्वर्ट करते हैं सिंगुलर से प्लूरल में तो कब एस ऐड करते, कब ई एस ऐड करते, कब आई एस ऐड करते, ये हम लोग अभी आगे पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो कन्वर्शन ऑफ सिंगुलर नाउन्स इनटू प्लूरल नाउन्स, सिंगुलर नाउन्स का कन्वर्शन प्लूरल नाउन्स में। देखिए कह रहे हैं कि बाय एडिंग एस, हम लोग एस ऐड करते हैं सिंगुलर नाउन में उसको प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे यहाँ बॉय है, ठीक है, बॉय है तो उसको प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए बॉयज एस ऐड किए हैं। की है तो उसमें प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए एस ऐड किए, कीज हुआ। हाउस है उसको प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए हाउसेस किए हैं। उसी तरह आपका ट्री आता है, ट्रीज हो जाएगा। बुक है, बुक्स हो जाएंगे। अब देखना आगे कि हम लोग ई एस कब ऐड करते हैं, ठीक है। तो कोई भी नाम अगर वो सी एच एस एच एस डबल एस एक्स और ओ इससे अगर एंड करते हैं यानी इस पे खत्म होता है तो उसको हम लोग प्लूरल में चेंज करते हैं ई एस ऐड करके। जैसे यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, आप देखो यहाँ बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स के लास्ट में एस एक्स है, एस है तो इसके लास्ट में आपका एस है, और मैंगो के लास्ट में आपका ओ है, ठीक है। इन सब देखो ये सारे एंड कर रहे एक्स से एस से ओ से, तो इसके लास्ट में क्या ऐड करेंगे, ई एस ऐड करेंगे, इसको प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे। बॉक्स का बॉक्सेस हो जाएगा, एस का एसेंस हो जाएगा, मैंगो का मैंगोस हो जाएगा। अब आप कुछ सोचेंगे सी एच से भी एंड करता है, एंड करता है तो एक एग्जाम्पल बी यू एन सी एच बंच, लास्ट में क्या है सी एच से एंड कर रहा है तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बंचेस हो जाएगा। तो अगर एंड करता आपका सी एच एस एच एस डबल एस एक्स और ओ तो उसके लास्ट में हम लोग यस ऐड करते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका कि अगर कोई भी नाउन जो है अगर वाई से एंड करता है, ठीक है, तो वाई से एंड कर रहा है तो हम लोग उसके लास्ट को वाई क्या करते हैं हटा देते हैं, और हटाकर वाई की जगह पे आई लिख देते हैं और फिर उसमें ईएस ऐड कर देते हैं तो वो आपका प्लूरल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे सिटी है, ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में वाई
करके वाई को हटा करके आई एस आमीज कर दिए, ओके। लेकिन ये तब होता है जब जो आपका लास्ट में वाई से पहले जो है वो वोवेल ना हो तब, क्योंकि आपने अभी मैंने आपको फर्स्ट में ही दिखाया था कि बॉय जब था तो हम लोग ने बॉय में एस ऐड किया था। हम लोग चाहते हैं तो इस वाई को रिमूव करके बी ओ आई एस लिखते ना, लेकिन ये रॉन्ग हो जाता है। ये इसलिए क्योंकि अगर वाई से पहले कोई वोवेल होता है, देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ टॉय है, वाई से पहले वोवेल है ओ है, y से पहले वोवेल है e है, ठीक है। अगर y से पहले कोई भी वोवेल अगर रहता है तब हम लोग y को रिमूव नहीं कर सकते, तब उसमें क्या ऐड कर देते हैं हम लोग, s ऐड करके उसका प्लूरल फॉर्म हम लोग बनाते हैं, ओके। तो अगर y से पहले कोई वोवेल ना तो आप उसमें i नहीं, y रिमूव करके i नहीं लिख सकते। लेकिन अगर आपका कॉन्सोनेंट है तो आप y रिमूव करके i e s को ऐड कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट आपका देखिए, नेक्स्ट है अगर कोई नाउन एफ और एफ ई से एंड कर रहा है तब उस केस में हम लोग क्या करते हैं, तब उस केस में हम लोग उस एफ और एफ ई को हटाकर उसमें वी ई एस ऐड करते हैं। जैसे कि लाइफ, लास्ट में देखिए एफ ई से एंड कर रहा है ना, तो जब ये एफ ई पर खत्म हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसका एफ ई को हटा देंगे और तब एल आई वी ई एस लाइफ ऐड कर देंगे। का लास्ट में एफ से है, इस एफ को हटाकर आपका फिर सारे स्पेलिंग वही रहेगा, बस वी ई एस ऐड करना है लास्ट के एफ ए एफ और एफ ई को रिमूव करने के बाद। फिर नाइन्थ आपका, तो लास्ट में एफ ई है तो आप एफ ई को हटाकर वी ई एस ऐड करोगे। इसके बाद आप देखोगे कि कुछ प्लूरल नाउन्स जो होते हैं उनका सिंगुलर में भी सेम वही फॉर्म होता है जो प्लूरल में होता है, ठीक है। जैसे कि हेयर, हेयर की बात की तो सिंगुलर में भी आप हेयर यूज कर सकते हो और प्लूरल में भी आप हेयर यूज करोगे, ओके। उसके बाद शिप, इसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों शिप होगा, आप शिप्स नहीं लिख सकते हो, ओके। आप क्या लिखोगे, सिर्फ शिप लिखोगे क्योंकि इसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होता है। उसी तरह डियर, इसका भी सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है। फिश है, इसका भी सिंगुलर और प्लूरल सेम हो सकता है। आप फिशेस, ओके सॉरी, नेक्स्ट, अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये कुछ नाउन्स थे जो कि सिंगुलर और प्लूरल में सेम होते हैं, ओके। कुछ है आपके नाउन्स इररेगुलर नाउन्स जिनका कोई रूल नहीं होता है चेंज करने के लिए। कुछ इसमें से कुछ है जिनके सिर्फ वोवेल्स को हम लोग चेंज करते हैं दूसरे वोवेल्स में, ठीक है। लेकिन कुछ होते हैं उनको सिंगुलर से प्लूरल में हम लोग उसका चेंज कर देते हैं बिना किसी रूल के। जैसे कि ऑक्स है, ऑक्स है तो इसको हम लोग ऑक्सेन में चेंज करेंगे, इसका प्लूरल क्या होगा, ऑक्सेन होगा। उसके बाद देखिए आपका फूड, तो इसमें वोवेल क्या है, डबल ओ, तो इस वोवेल डबल ओ को हम लोग डबल ई में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें फूड का फिट, मैन मेन, चाय का चिल्ड्रेन, गूस गीस, टूथ टीथ, माउस माइस, वोमेन वोमेन, ओके। तो यहाँ पे हम देखें एक चीज कि जहां डबल ओ वोवेल आया था वहां डबल ओ को किसमें कन्वर्ट किए हैं, डबल ई में, या याद रखिएगा। तो ये कुछ ऐसे इरेगुलर नाउन्स हैं जिनका कोई स्पेसिफिक रूल नहीं होता है उसको सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने के लिए आपको रिमेम्बर करना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट प्रैक्टिस टाइम कि अभी आपने जो भी मैंने आपको रूल्स बताए कि किस तरह से आपको चेंज करना, उस पे ये कुछ क्वेश्चंस हैं। आपके बुक में भी क्वेश्चंस हैं, वो आप खुद से करेंगे। ये भी क्वेश्चंस हैं जो आप करेंगे ताकि आप ये देख सके कि आपने जो पढ़ा वो आपको समझ में आया या नहीं। जैसे बैट, आप बैट देख लो ना, इसके लास्ट में वाई है ना एफ ई है ना आपका एस है, डबल एस है, सी एच है, कुछ नहीं है। तो आप इसमें राइट क्या ऐड कर दोगे, ये हो जाएगा आपका बैट्स हुआ। लेकिन यहाँ पे मैच देखिए, मैच के लास्ट में क्या है, सी एच है, तो सी एच जब रहता है तो लास्ट में क्या ऐड कर देते हैं हम लोग, ई एस ऐड कर देते हैं, तो ये क्या हो गया, मैचेस। फिर बेबी, लास्ट में क्या है, वाई है, तो जब वाई है और हम लोग देख रहे हैं कि वाई से पहले कोई वोवेल नहीं है तो हम लोग वाई को रिमूव करके आई ई एस लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बेबीज हो जाएगा।
उस तरह आपको एक एफ और एफ ई वाला बता दूं, नाइफ है, लास्ट में क्या है, एफ ई है। तो जब एफ ई रिमूव होता है तो हम लोग क्या ऐड करते हैं, वी ई एस, तो ये क्या हो जाएगा, नाइफ हो जाएगा। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोग खुद से कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने टीचर से पूछ सकते हैं, और अपने बुक वर्क को खुद से कीजिए और उसको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कीजिए अब चेकिंग के लिए, ताकि आपने जो भी किया है वो करेक्ट है या नहीं, एटलीस्ट आपके टीचर जान सके कि आपको समझ में आया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। सो डू योर बुक वर्क एंड इसका जो भी क्वेश्चन आंसर होगा वो आपके व्हाट्सएप पे अवेलेबल होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।